टीवी लाइव के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर डालते हैं सबसे पहले नजर। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन शातिरों से सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बागवत निवासी लुटेरे वसीम व शाहदरा निवासी सुहेब को पुलिस की गोली लगी है। पुलिस की जेब में घुसी बदमाशों को ओर से पुलिस टीम पर गोली चलाई गई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर तीसरा बदमाश आरिफ उर्फ समीर फरार हो गया है। कॉम्बिंग जारी है। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद कार सवार को बंधक बनाकर कार लूट की घटना का खुलासा किया गया है। बदमाशों से लूटी हुई वेगनार कार, दो तमंचे, दो जिंदा व तीन खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस की कांवरा रोड पर हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से संवाददाता शाहरुख सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। क्राइम सीन सेफ रखना, वो मत जाना जी। वो तमंचा तुमचे से दूर रखना बस। पर सिकंदराबाद पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही है। रात्रि में लगभग 1 बजे संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखा। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वो भागने लगा। पुलिस की दो टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। अपने को पुलिस द्वारा घिरा हुआ देखकर गाड़ी में बैठे संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए और एक उनके साथ जो व्यक्ति था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है वसीम, ये बागपत का रहने वाला है, और दूसरे जो है इसमें सोहेब, ये दिल्ली शाहदरा के रहने वाला है। इन पे पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं। जो भागने में कामयाब रहा है उसका नाम है आरिफ, वो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। इन पे पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इन्होंने अभी अग्रिम पूछताछ में बताया है कि जो अभी सिकंदराबाद में गाड़ी की लूट हुई थी वो इन्हीं के द्वारा गाड़ी करी गई है। आज की मुठभेड़ में वो गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है। पुलिस द्वारा घायलों का इलाज कराया जा रहा है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।